ओम शांति। जीवन में सफल होने के लिए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसी बातें आवश्यकता हैं जिन्हें हमें बहुत जरूरी है जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ बातें आपके सामने हम विश्लेषण करेंगे। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं से गुजरता है। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण बहुत समस्याएं पैदा करते हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो करना भी बहुत जरूरी है। हम धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं क्योंकि सतयुग में धन संपन्न, सुख संपन्न, संतुष्ट मणि होकर रहेंगे 2500 साल, और उसकी पुरुषार्थ करने के लिए संगम युग में बहुत जरूरी है कि हमारे पास धन भी हो, स्वस्थ तन भी हो और निर्मल मन भी हो। उसके लिए जो परमात्मा हमें ज्ञान दिए हैं, सबसे पहली बात है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि धन संपन्न कैसे बने। मन में जो संकल्प उठते हैं, कुछ संकल्प ऐसे होते हैं नेगेटिविटी, जो हमें अपने आप गरीब की ओर ले जाता है, निर्धन बना देता है। धन होते हुए भी हम नुकसान की ओर चले जाते हैं, लेकिन धन संपन्न बनने के लिए हमारे संकल्प श्रेष्ठ होना जरूरी है। जितना हम दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प और ऊंचे विचार से संपन्न होंगे, तो हमारे आसपास जो स्थूल साकार में हम चाहते हैं धन संपन्न, वो स्वतः ही बन जाएगा। भले थोड़े समय लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर। उसके लिए मैं कुछ अभ्यास बताना चाहूँगा जो मैं अपने अनुभव से बताऊँगा कि जितना हो सके, जैसे हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आंखें खुलते ही सबसे पहले 2 संकल्प हम करें कि मैं परमात्मा की गुणवान संतान हूँ, मैं परमात्मा की धनवान संतान हूँ। तो गुणवान और धनवान, ये दोनों बातें अगर जीवन में होता है तो हम सुख संपन्न और पुरुषार्थ श्रेष्ठ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, सुबह उठते ही आंखें खुलते ही ये संकल्प करें कि मैं गुणवान संतान हूँ परमात्मा की, और मैं धनवान संतान हूँ परमात्मा की। और वो जब आप संकल्प करें तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हमारी हर संकल्प को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है। मुस्कुराहट के साथ किए हुए संकल्प हमारे संकल्प को शक्तिशाली बना देता है, और जल्दी सफलता की ओर जो हम पाना चाहते हैं वो स्वतः ही खींचे चले आता है। अगर हम उदास मन से या दुखी मन से संकल्प करते हैं, हो सकता है वो सफलता मिल भी जाए, लेकिन वो सफलताओं में उतनी प्राप्ति नहीं होती जितना मुस्कुराहट वाली संकल्प होती है। जैसे हम देखते हैं अंधेरा हो तो हम दिया जलाते हैं प्रकाश के लिए, हमारे जीवन में दुख हो और जो भी कमियां हैं, चाहे धन की हो, स्वस्थ तन की हो या किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए हमारी मुस्कुराहट वाली संकल्प वो सफलता की ओर ले आता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले सुबह उठते ही आंखें खुलते ही मुस्कुरा के ये बोले, मैं गुणवान परमात्मा की संतान हूँ। दूसरा, मैं धनवान परमात्मा की संतान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं भरपूर हूँ। ये नहीं सोचे कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचना है कि मेरे पास सब कुछ है। ये संकल्प ही, ये अनुमान नहीं कर रही, ये आप कल्पना नहीं कर रही, ये आपके संकल्प में निश्चय दृढ़ता ही आपको सफलता की ओर और धनवान बनाएगा। और दूसरी बात, रात को सोने से पहले मुस्कुरा के वही 2 संकल्प करें सोने से पहले, मैं गुणवान परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, मैं धनवान परमात्मा की प्रिय संतान हूँ। मैं गुणवान परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, मैं धनवान परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरा जीवन खुशनुमा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये जीवन बहुत ही सुख संपन्न है और आगे मेरे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको लगता है कि अभी बहुत परेशानी है, इन परेशानियों में कैसे मैं अच्छे संकल्प कर सकता हूँ? नहीं, आप देखिए, मैंने पहले ही बोला कि अंधेरे में दिए को जलाया जाता है,
इसी प्रकार जीवन में जितने प्रकार की दुख वाले संकल्प है, परिस्थितियां वाले संकल्प है, लेकिन हमें सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जब हम ये संकल्प करते हैं तो हमारे अंतर मन में जो हम कहते हैं कि वो जिन, जो जादुई शक्ति या कह सकते हैं वो जादुई छड़ी जहाँ तक हम घिसना चाहते हैं अलादीन की चिराग को, तो वहाँ तक अगर ये संकल्प पहुँचा देते हैं तो सचमुच हमें धनवान बनने में कोई रोक नहीं सकता है। और दिन भर भी ये अभ्यास कर सकते हैं मुस्कुरा के, मेरे पास बहुत कुछ सुख के साधन, सेवा के साधन, प्राप्तियों से मैं भरपूर, ये संकल्प निरंतर दोहराएं। जब भी आपको मौका मिले आप दीवार में भी कागज में भी लिख के रख सकते हैं ये संकल्प, जो जो संकल्प हमने बोला कि मैं परमात्मा की गुणवान संतान हूँ, मैं परमात्मा की, अगर हम इन बातों को फॉलो करते हैं कि मैं परमात्मा की गुणवान संतान हूँ, मैं परमात्मा की धनवान संतान हूँ, ये एक पेपर में लिख के रख दें, सुबह उठ के उसको देखें और संकल्प दोहराएं। दिन में जब भी बाहर जाते हैं आते हैं रूम के अंदर, वो संकल्प आपके अंदर जब बार बार दोहराया जाएगा तो सचमुच थोड़े दिन में देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। और जब भी वो चित्र को देखें जो आप लिखे हुए हैं उसको देख के मुस्कुराएं, ताकि वो ऑटो ही, वो स्वतः ही आपके पास खींचा चले आएगा। तो ये अभ्यास आप करें, सचमुच जीवन में सुख संपन्न, धन संपन्न, गुण संपन्न, प्राप्ति संपन्न, परमात्मा की अधिकारी बचे हम, बस संकल्प श्रेष्ठ रखें तो जरूर हम धन की कोई कमी नहीं रहेगा हमारे पास। तो चलिए इन्हीं संकल्प के साथ हम अभ्यास करें, और अभी सोने से पहले और सुबह उठते ही जो मैंने बार बार अटेंशन दिलाया, ध्यान दिलाया आप सभी को, तो ये ध्यान रखेंगे तो जरूर जीवन सफलता संपन्न, धन संपन्न बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।